सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसी है मेरी यूट्यूब की जनता। तो अभी बज चुके हैं सुबह के 4 और हम हो चुके हैं रेडी। तो आज की राइड बेसिकली होने वाली है सरिस्का नेशनल पार्क की, जो कि है अलवर से थोड़ा आगे, जो कि आज हम कवर करेंगे 180 to 190 किलोमीटर्स। तो उसके बाद वहीं आज का हमारा स्टे होगा एंड देन उसके बाद हम कल निकलेंगे जयपुर की। और तो आपसे डायरेक्ट मिलते हैं अपने डोमिनार के ऊपर। तो आइए चलिए। तो एक्चुअली अभी मैं घर से निकल चुका हूँ, 4:45 हो रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर। मेरे को उसको पिक करना है, देन वहाँ से अपना मीटिंग पॉइंट है धौला कुआँ, जहाँ पे मेरे को एक मेरा फ्रेंड ज्वाइन करेगा मोनू, देन उसके बाद वी विल कंटिन्यू। मॉर्निंग और नाइट में कितनी अच्छी लगती है दिल्ली की रोड, राइट साइड में साइकिलिंग करते हुए 2 बंदे 3 बंदे से आगे भी रेड लाइट। ये मेरी फर्स्ट रेड लाइट मिली है मुझे अभी तक की। तो ये मीटिंग पॉइंट में मुझे मिल गया मोनू। तो अब हम निकल चुके हैं अलवर की साइड। यहाँ से दिखा रहा है 3.5 घंटे, देखते हैं कितनी देर में पहुँचता है ब्रेक ले लेके। सुबह का मौसम ही अलग होता है, अभी थोड़ी ठंड भी लग रही है मुझे इस टाइम पे। इतना प्यारा मौसम और ऊपर से रोड खाली खाली। अभी ज़्यादा हम क्रूज़ कर नहीं रहे, 90 100 90 100। और मेरे आगे ड्यूक 200 पे है मोनू, मोनू और उसके साथ विशाल, हम तीनों के तीनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। एंड एम्बियन सामने लेफ्ट साइड में 80 गुड़गांव एंटर हो चुके हैं हम। क्या हुआ? अबे यार, ये गलियों में से कहाँ से लेके जाएंगे? और सूर्य देवता प्रकट होते हुए, सूर्य देवता प्रकट हो चुके हैं। बढ़ जाएगी गर्मी और धूप। रात को मैं वैसे ही 2 घंटे सोया हूँ क्योंकि जल्दी सोने की आदत है नहीं। एंड देन मॉर्निंग में 2:30 के अराउंड मेरी नींद खुल चुकी थी। ओए होए, रोड खराब। हाँ, भाई क्या करना चाहते हो खेत में? तो राइट नाउ वी आर एट तिजेरा। हमने अपना सेकंड ब्रेक लिया है और हम ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेक लेते हुए हमने ऑर्डर किया है समोसा एंड कचौड़ी, तो देन ये खा के देन फिर हम वी विल कंटिन्यू। तो अभी अराउंड 70 or 80 किलोमीटर बचा हुआ है। तो अभी तो यहाँ से मेरा फ्रेंड विशाल कंटिन्यू करेगा। विशाल यहाँ से शुद्ध हिंदी में अपनी कंटिन्यू करेगा। हाँ तो भाई, कहाँ पर हैं हम? अपने गंतव्य स्थान से 90 किलोमीटर की दूरी पर हैं और यहाँ जलपान हेतु रुके हुए हैं। जलपान हेतु के पश्चात हम लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर
प्रस्थान करेंगे। आपका दिन शुभ हो और मेरा भी धन्यवाद। अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो जिसका सवाल आप चाहते हो तो कृपया करके हमसे जरूर पूछें सरिस्का के बारे में। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल पूर्ण रूप से देना चाहेंगे। धन्यवाद। तो प्लीज़ गाइस, अगर आपको विशाल की सुदृष्टि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। तो आपसे मिलते हैं हम सरिस्का। शिट भाई, एक्सीडेंट हुआ बड़ा यहाँ पे। तो एक कार रोड से नीचे खेत में जाके गिर गई। आई थिंक टाटा की है यार ये, टाटा इंडिगो। तो गाइस प्लीज़ यार, थोड़ा मतलब रोड पे केयरफुल रहा करो। देख ही सकते हो कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल, तो थोड़ा देख कर। तो अभी हम हैं टाइगर रिजर्व के अंदर, तो यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादा देर तक रुकना मना है। गाड़ी बाइक खड़ी करके एंड फोटोग्राफी भी प्रोहिबिटेड है। तो अभी हम आगे निकलते हुए, ओए होए व्यू भाई साहब खतरनाक। रोड थोड़े साले और सही हो जाते ना, और अच्छा था फिर भाई साहब। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पटेल होटल, रोड पे ओह डरा दिया भाई। मुझे लग रहा था बैल गुस्से में मेरे को मार ही देता। क्या नज़ारे हैं, वाह मज़ा आ गया भाई। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे अलवर साइड, आई मीन सरिस्का साइड, और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ही सबसे बेस्ट। खतरनाक, आई थिंक यहीं से जाना है हमें। क्या सीन है, 3 किलोमीटर अंदर दिखा रहा है ये। यहाँ पे होटल वोटल है क्या है, यहाँ पूछना पड़ेगा एंट्री है कि नहीं है, देखते हैं क्या सीन है। आप कैमरे की निगरानी में हैं। अबे यार ये तो सीन हो गया।